समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। दिग्विजय सिंह जी की आपत्तिजनक बयान पर किया पलटवार। भाजपा प्रवक्ता सत्येन चौधरी ने दिग्विजय सिंह के आपत्तिजनक बयान पर किया पलटवार। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र चौधरी ने पलटवार किया है। चौधरी ने कहा कि दिग्विजय सिंह पहले भी हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। देखिए दिग्विजय सिंह जी, बड़ा आपत्तिजनक बयान है। आपको इस पर क्षमा याचना करनी चाहिए और आपको शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार से आप सदैव हमेशा हिंदुओं के लिए आतंकवादी बताते रहे हैं, आपको क्षमा याचनी करना चाहिए। आपने भगवा को बलात्कारी बताया हुआ है, तो आप एक समय, आपको याद होगा, आपने जो है झंडा लगा दिया मस्जिद पे तिरंगा गोला भगवा फहराते हुए, उसके ऊपर आपके ऊपर FIR हुई। आपने कुंडलपुर जैन मंदिर की घटना जिसके ऊपर आपने फर्जी प्रचार किया, उस पर भी आपके ऊपर FIR हुई। आपके ऊपर एक वर्ष की सजा भी हो चुकी निचली अदालत में। और आप सदैव वर्ग संघर्ष और सदैव हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आप हिंदुओं को आतंकवादी बताने का काम को आपने किया और आज आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। जो जिस प्रकार से आपने आपत्तिजनक टिप्पणी की है माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के ऊपर, जो कि पुरुषार्थ और पराक्रम के पर्याय है, प्रतिमान है, जिनके अथक परिश्रम से, भागीरथी परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 163 से ज्यादा सीटें अर्जित की हैं और लोकसभा चुनाव में 29 की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है और 60% के आसपास का वोट शेयर प्राप्त हुआ है। तो वो उनकी सफलता, उनकी पुरुषार्थ और पराक्रम के कारण भी हुआ है। कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पौरुष के प्रतिमान है, पुरुषार्थ के प्रतिमान है और आप जिस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं, आपको क्षमा याचना करना ही चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। ये थी आज की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।